जय शंकर दोस्तों, जय श्री राम। की हाल चाल थोड़ा सारे का? आई होप कि सारे ठीक ठाक मस्त मलंग हो। अस अज परनाला अपना धार रोड हैगी मानपुर की, तो उसके पहले एक जगह आती है एक परनाला जो कि फिंदर को 8 किलोमीटर दूर है। परनाला का एरिया उतों कोई लिंक लिंक रोड गया उपर शेरी मुनी वाली साइड की, उस रोड चो कन्नै एक मंदिर है निका जिहा लागे परनाला बिच ही है मंदिर। इतने इधर ब्लॉग बनाने असं एक दो बार आख्या भी गया कि इसे मंदिर है, इस मंदिर का ब्लॉग बनाओ तो असं दसो इस मंदिर के बारे में कि मंदिर कैसा दिखना, लोकेशन कैसी है। तो इस मंदिर का एंट्री गेट है, तो अगर तुम जगह देख सकते हो अगर जगह कैसी है। पहले चलने अस मंदिर, इस मंदिर के सामने एक मंदिर लगा 10 निका जहाँ ये मंदिर बनता निका जहाँ। ये मंदिर बने 2005 टाइम हो गया, 18 साल हो गए इस मंदिर के बने। अंदर शिवलिंग रखता है इतने, तो बाकी कुछ ऐसा मंदिर है सामने, बाकी मेन मंदिर है उस सामने, उस साइड मंदिर है मेन। कमरे वगैरह भी बने इतने, शराब शराब जिसे अस बोलने रहने वास्ते। मंदिर के बारे असली हिस्ट्री नहीं पता नहीं, अगर कुछ अगर पता होगी हिस्ट्री का कमेंट मार सकते हो कि ये मंदिर कदों बने। बाकी ये आखते कि प्राचीन मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है, ये भी बना इतने। इतने पहले सब तो पहले एक मूर्ति आई थी बाहर, ये भी कोई शास्त्री जी ने दादी ने यह मंदिर बनाया होगा अपने टाइम च। एक टाइम कुछ ऐसा लगता है क्योंकि जिते बस जिते बस जन्ने कुछ ऐसी मूर्तियां उत्थे बनी होंगे, तो आखते कि जितने मूर्ति बनी हुई होगा वो मंदिर उन्हें होता बना था, शायद ये भी मंदिर ही ना होगा बना हुआ कि तुम्हें दर्शन करवाने मंदिर के पूरे। तो इस मंदिर कन्ने कुछ इस साइड भी कुछ बनता है, इधर बारे में कि पता नहीं, पर इतने पढ़ सकते हो। इतने यहाँ पर धूप बत्ती लगाना व जल चढ़ाना मना है, मतलब इस साइड ही रख दी मूर्ति है वाह, राधा कृष्ण की मूर्ति। ये पिछे भी कुछ मैं देखिए पहले भी देखिए अज मैं कितने कुछ बना चरण वगैरह बने, तुम बाकी पढ़ते रहियो बल्ले बल्ले, तो अगर चलते रहियो। तो दोस्तों साढ़े ने कैंकल होर ने इन्हें ऐसे मंदिर के बारे सुनाना पूरा कि जरा मंदिर बने का परनाला कि मंदिर है। जय श्री राम अंकल जी। जय श्री राम जी। तुम पहले अपने बारे सुना कि तुम तुरा के नाम है? देखो जी मेरा नाम देवराज। अच्छा। शेरी मुनि असी रहने वाले हैं। अच्छा। साड़ी दुकान परनाला बसोतरा हार्डवेयर स्टोर के नाँ की है। अच्छा। असं परनाले 10 साल हो गई दुकान करते हूँ। इतने साढ़ा एक मंदिर है, साढ़ा नरसिंह महाराज का मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है साढ़ा, है और बड़ी शक्ति वाला मंदिर है। इस मंदिर दे च बाबा लक्षी राम होंदे हे। अच्छा। बाबा लक्षी राम होर इक बड़ी हस्ती दे मालक हे। ये मंदिर जिहड़ा पहले इत्थे डुडके इत्थे बनया हा पिछे डडाल डडाल। हाँ। अच्छा। डडाल दा उत्थे बारिश नहीं होंदी, लोकें आखिया बाबा जी बारिश नहीं होंदी है, उन्हें आखिया चिल्ल किट्ठे करो, तुस चिल्ल हाँ चिल्ले दा इक बड़ा बनाओ, चिल रखो उत्थे, उहदे उपर बाबा लक्षी राम लेटे हे, तो बारिश आई, बड़ी बारिश आई। अच्छा। उधर इस टीढ़ी है साड़ी है हाड़ पिया बड़ा, उत्थों बाबा होर रुड़दे आए इत्थे लगे बाबे दी डबरी। बाबे दी डबरी? हाँ। वो बाबे दी डबरी बड़ी डबर जिहड़ी बड़ी वड्डी डबरी ही, उस डबर च मछी आउंदी हाँ, एक नक्की दे उसी बालू गोली मछी आउंदी इत्थे। बालू मतलब नके बालू लगा होंदा जी जां। अच्छा। ये मछी होंदी? अच्छा अच्छा। आ सुन्ने दा बालू हस मछी, ओ इने पाल दियां मछियां, उदे बाद च साडा इत्थे मंदिर बणिया साडा। अच्छा। ते ए मंदिर कुन्ने बणाया हा कोई इदे बारे च? मंदिर ते बाबा लक्षी राम ने बणाया हा, मगर उस तो बाद जिहड़ी इसी डेकोरेट कीता मंदिर ओ बाबा चरणदास होरें कीता। अच्छा। हुण जियां ए मंदिर बणा दे, मंदिर चरणदास हुंदे टाइम दे बणदे ने। अच्छा। मगर पहले हुंदा हा कोई, पहले इक शेड टाइप बणदा हुंदा हा ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨਦਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰੇ ਬਾਬੇ ਡਬਰੀ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ? ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਬਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਐਸੀ ਗੁਫਾ ਬਾਬਾ ਲੱਛੀ ਰਾਮ ਹੋਰੇ ਸਹੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਡਬਰੀ ਜਿੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੋ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੋ। ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਬਰੀ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਡਬਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਆਈਏ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਹ ਲੈ ਤੇ
बाबा राय ने कोई समान देना भी जाओ तुसी ये परनाला जेड़ा नरसिंह महाराज मंदिर है उत्थे देना तुसें। अच्छा बाबा रखना लोकां ने इत्थों लोग जंदे हर दुआ जेड़े इत्थों जंदे। अच्छा उत्थों जेड़े लोग जेल्लै वापस आंदे हैं ना इत्थे मंदिर उस समान देने से अगे बाबा होर जेड़े ने मंदिर बैठ देंदे मंदिर बैठे आ जंदे। ये बाबा लक्ष्मीराम दी कहानी इक बड़ी शक्ति हुंदे छ। अच्छा ते हुण सुनाओ कि मंदिर सवेरे किन्ने बजे खुलदा किन्ने बजे बंद हुंदा है। सवेरे 4 बजे हुंदी पूजा इत्थे। अच्छा सवेरे 4 बजे पूजा हुंदी 4 बजे ते शामी राती 10 बजे तक खुल्ला रहंदा है। मदीने बाबा बंद हो जांदा दिन नहीं होंगे बंद हूँ अपना 12 बजे हलेइए तो 4 बजे तक कोई नहीं आता बिच उसके 4 बजे हवा चलता रहना काम। एक गल और भी सुनी मैं कुछ नमक आता इतना नमक की कहानी है इतने मंदिर च। देखो नमक की कहानी यह है कि बड़ी पुरानी गल है इतने नमक आता हा नमक लिया लोग इतने आइए इसलिए तोलते हे इतने आइए तो वो जो इतने नमक ज्यादा निकलता हा नमक बधी जांदा हा वेट बधी जांदा हा वेट ज्यादा हो जांदा हा जाने 10 किलो हुंदा हा इत्थे आइए 11 हो जांदा 11 हो जांदा हा। फिर बाबा होर कहंदे हे वी इसी नमके तुसीं वापस ले आओ असां नहीं फालतू नहीं लेना असां अगर फालतू के करन लई इस ले आओ वापस। अच्छा जिल्ले ओह वापस लेइए जांदे हे उत्थे ओह नमक बराबर हुंदा जिन्ना उत्थों लेदा हुंदा उत्थों बराबर हुंदा। अच्छा उहने पीरी लेणा इत्थे पीरी बधना फिर ये कहानी चलती रही ਪੀਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਡਬਰੀ ਸੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲਈ ਡਬਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰ ਬੱਟੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਰੂ ਦੇ ਡਬਰੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਟੀ ਉੱਠਿਆ ਏ ਵਾਪਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਬਰੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤਰਾਰ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਬਾਬਾ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਪੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪੀਰੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾਂਦਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੰਡੀ ਨਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਸਰੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਮਨਕ ਨਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਬਈਆਣ ਦੀ ਬਈਆ ਔਰ ਬਈਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਈਆ ਜੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਤੈ ਨਾ ਸਾਖਿਆ ਕੀ ਪਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਾ ਅਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਨਾਲਾ ਨਰਸਿੰਘ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲੋਗ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉੜਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।